लंबे वक्त से महिला आरक्षण बिल का इंतजार देश की महिलाएं कर रही हैं, क्या सोचती हैं कामकाजी महिलाएं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो मेरे पीछे आप ये महिलाएं देख रहे हैं, ये सब वर्किंग वुमेन हैं, कामकाज करती हैं, नौकरी करती हैं। आप ही बताइए महिला आरक्षण बिल पर आपकी क्या सोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मोदी जी सरकार, क्योंकि अगर ये जो बिल था ये काफ़ी सालों से अटका हुआ था, काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग चल रहा था, तो इसके बारे में जब आज पता चल रहा है कि ये पास हो रहा है तो ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे लिए भी सरकार में कहीं ना कहीं पे हमारा भी एक रिजर्वेशन है। तो अगर हमारी जैसे फॉर एग्जांपल अगर फीमेल कोई कैंडिडेट वहाँ पे अगर खड़ा होता है तो हमें ये सिक्योरिटी फील होती है कि वो हमारे हित में हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू कि ये जो बिल है वो पास हो रहा है। तो आप मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, संसद में महिलाएं ज़्यादा पहुंचेंगी तो देश की महिलाएं भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगी। हाँ जी सर बिल्कुल, अगर हमारी संसद में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन मतलब जो रिज़र्व की हुई है उन्होंने दी है सीटों के लिए, जो चल रहा है इतने टाइम से शेड्यूल कास्ट है चाहे जो भी 33% जो भी रिज़र्व किया गया है, तो ऑब्वियस है कि उससे बेनिफिट तो हमें भी होगा, क्योंकि जब आगे वुमेन हमारे लिए खड़ी होंगी और वो जो भी हमें चाहिए वो अच्छे से जानती है कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं, तो आगे वो बिल पास करवा सकती हैं और हमारे लिए तो बेनिफिट होगा ही। अच्छा मैम, आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हैं, तो आपको लगता नहीं कि देश भी महिलाएं चला सकती हैं? आप एक 33% अगर संसद में विधानसभा में महिलाएं बैठेंगी तो आप लोग की जो आवाज़ है वो अच्छे से उठेगी। अगर आप कंपनीज चला सकती हैं, नौकरियां कर सकती हैं, तो देश क्यों नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल चला सकते हैं। आई थिंक ये बिल पास हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये सब जान के। 33% आरक्षण मिल रहा है हमें। आजकल आप किसी भी फील्ड में देखेंगे आई थिंक आरक्षण सब जगह है, तो उस वाली फील्ड में क्यों ना हो। तो सबसे पहले तो मोदी गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि हमें ये आरक्षण मिल रहा है। और रही बात देश चलाने की, तो बहुत सारी लेडीज चला रही हैं, तो होप सो कल को हम भी चलाएंगे, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कैसे देखती हैं इसको कि वैसे तो महिलाएं किसी से कम नहीं है इस देश में, हर फील्ड में आप लोग आगे हैं, लेकिन ये एक आरक्षण की मांग हो रही थी ताकि एक अच्छा नेतृत्व मिल सके, तो आप मानती हैं काफ़ी पॉजिटिव है ये? जी सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, वुमेन्स को रिजर्वेशन देकर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी, उनके जो पार्लियामेंट में वुमेन्स आएंगे वो बेहतर तरीके से अपने हितों को अपनी आवाज़ को उठा पाएंगी। जो वुमेन्स आजकल हर सेक्टर में आगे हैं, चाहे वो स्टडी का सेक्टर हो, स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, तो इस सेक्टर में क्यों नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर ये। आप क्या कहें? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है विमेन एम्पावरमेंट के लिए कि हमारा देश जो है ये तरक्की कर रहा है। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हर डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में औरतें जो है वो डिज़र्व करती है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 27 साल से ये पेंडिंग था, अब ये हो रहा है वाकई में। वही सर, मेन तो सर गवर्नमेंट है, सो गवर्नमेंट का थैंकफुल है कि वो उन्होंने ये पास किया है, तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग क्या कहेंगे वुमेन रिजर्वेशन पे, आप लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं? यस सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि लेडीज़ को भी आगे हर फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है। इससे हम भी कॉन्फिडेंस रहेंगे कि अगर हमारी कोई भी चीज़ है तो अगर एक वुमन वहाँ पर रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ सकती है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो ये कामकाजी महिलाएं हैं जो कि वेलकम कर रही हैं सीधे तौर पर और कह रही हैं कि सरकार का अच्छा कदम है, और लंबे वक्त से ये मांग पेंडिंग थी। हर फील्ड में भारत में महिलाएं आगे हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो अपने गली नुक्कड़ से निकलकर, अपने घरों से निकलकर महिलाएं देश को सही तरीके से नेतृत्व कर पाएंगी। पंचकुला से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।